सुप्रभातम्। ओम अर्चिताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। मम नाम अदिति बिंजोला अस्ति। अहम सप्तम कक्षायाः ब वर्गस्य छात्रा अस्मि। मम विद्यालयस्य नाम दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल श्यामपुरम अस्ति। अहम भगवद्गीतायाः श्लोकं प्रस्तुतं करोमि। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरा संप्रेक्षणासिकाग्रं स्वं दिशिश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमचित्तो युक्तः
आसीत मत पर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, अपने नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अपने अविचलित तथा दमित मन से भय रहित और विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुज गैरोला है। मैं कक्षा 7 ब का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम धून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। मैं आज एक भगवद गीता का श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान दिए थे। श्लोक कुछ इस प्रकार है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाम ही धर्मस्य तदात्मान स्वजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृपा धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया है कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युगो युगो में जन्म लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि बडोनी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताया है। नैनम चिन्नन्ति सस्त्राणि नैनम दहति पावकः नाचैनम क्लेद्यन्त्यापो नाशोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है, इसीलिए आत्मा अजर और अमर है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आकृति रयान है। मैं कक्षा 6वीं अ की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम धून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है और आज मैं आप सभी के सामने एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हन्तोर्वप्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वभोक्ष्यसे मयि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तये युद्धाय कृतनिश्चया। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयती होते हो तो तुम्हें धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा ढौंडियाल है। मैं कक्षा 6वीं अ की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। आज मैं आप लोगों के सामने एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। इसका अर्थ है कि आत्मा अमर है। धन्यवाद। नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम यथार्थ निहाल है। मैं कक्षा 6 ब का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक संस्कृत श्लोक सुनाने जा रहा हूँ जिसे भागवत गीता के अध्याय 4 से लिया गया है। यह श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 7 है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म को हानि होती है,
जब जब अधर्म में वृद्धि होती है तब तब सत्पुरुषों के कल्याण के लिए अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण ही जन्म लेता हूँ। यह प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। धन्यवाद।